में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है इन दिनों। कांग्रेस में पार्टी मुखिया को लेकर एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई हैं। सीनियर नेताओं का सब्र टूटने के बाद सोनिया गांधी ने 19 दिसंबर को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें नाराज नेताओं की मांगों को सुना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरअसल पिछले दिनों पार्टी के 23 सीनियर नेताओं ने पार्टी के हालात पर नाराजगी जाहिर की, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद से संकट लगातार और बढ़ा है। इस गुट के नेताओं का कहना है कि अब तुरंत अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो पार्टी के अंदर बड़ा बिखराव होना तय है और उसी से निपटने के लिए ये मीटिंग बुलाकर सोनिया चाहती है कि सब कुछ पार्टी में ठीक रहे। और इसी बीच खबर ये भी कि कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बड़ा कद बढ़ेगा। कांग्रेस में जारी गतिरोध पर हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन की ये रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस में चला घमासान शायद अब रुक सकता है, क्योंकि 19 तारीख को कांग्रेस के इंटरिम अध्यक्ष यानी खुद सोनिया गांधी उन 23 नेताओं के प्रतिनिधि से मुलाकात करेंगी दिल्ली में और जानेंगी कि आखिर पार्टी में क्या कुछ गलत हो रहा है। बिहार हार के बाद लगातार कांग्रेस में स्वर उठ रहे थे कि कांग्रेस का फंक्शन ठीक नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ियां हैं। इन सब को लेकर सोनिया गांधी नाराज नेताओं से और कांग्रेस के सीनियर नेताओं से मंथन करेंगी। साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी होना है अगले साल फरवरी से पहले, इसको लेकर भी बातचीत चलेगी। सीडब्ल्यूसी में कितने लोग चुन के आएंगे और कितने लोग नॉमिनेट होंगे, इस पर भी बातचीत हो सकती है। और साथ ही साथ इस पर भी मंथन होगा कि क्या राहुल गांधी की एक बार फिर ताजपोशी की जाए। कैमरामैन पशुराम के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। और इसी खबर पर रजत राकेश टंडन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रजत, आपका विश्लेषण हम सुन रहे थे। अब सवाल ये है कि पहले के विश्लेषणों से ये कितना अलग होगा जो सोनिया गांधी करने वाली हैं 19 तारीख को मीटिंग, सोनिया गांधी सुनेंगी क्या ग्रीवेंसेज हैं। लेकिन बगावतें तो पहले भी हो चुकी हैं और हमने देखा है कि घूम फिर करके सब वहीं पर आ जाता है, यानी कि केंद्र आलाकमान तक पहुंच जाता है। इस बार क्या अलग कुछ मूड लग रहा है आलाकमान का, कांग्रेस आलाकमान का? देखिए, क्योंकि कोविड काल था इसलिए वन ऑन वन मीटिंग सोनिया गांधी की बड़े नेताओं के साथ नहीं हुई। जो भी मीटिंग हुई या सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई या जो भी डिसेंट नेता सामने आए थे वो सब वर्चुअली आए थे। तो जिन भी नेताओं ने समय मांगा था, चाहे वो विरोध में हो चाहे वो पार्टी के लिए हो, जैसे आप पश्चिम बंगाल में चुनाव है वहां अलायंस टीएमसी के साथ होगा, लेफ्ट के साथ होगा या फिर अलायंस नहीं होगा, तो उसको लेकर बातचीत। कई प्रदेशों में चुनाव हुए, वहां पर नए अध्यक्ष बने, साथ ही साथ जो नेता नाराज हैं इन सब से सोनिया गांधी कल से मुलाकात करना शुरू करेंगी। और शुभ्रा, एक दिन की मुलाकात नहीं होगी, ये एक लंबा प्रोसेस होगा लगभग 10-15 दिन का, जिसमें सभी नेताओं से वन ऑन वन मुलाकात सोनिया गांधी करेंगी और कोशिश करेंगी कि पार्टी में जो बगावत है वो खत्म हो। पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया शुरू है, ऐसे में कौन अध्यक्ष बनेगा, क्या राहुल गांधी पर एक सहमति बनती है, जिसकी पूरी तरीके से कोशिश होगी। अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ ये बात कही कि 99.99% कांग्रेस का आदमी चाहता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष हो। तो क्या मार्च में राहुल गांधी अध्यक्ष पद बनेंगे? जिन लोगों को नाराजगी है उनको सेटल डाउन कैसे किया जाए, कैसे पार्टी को एकजुट किया जाए, कैसे नए अलायंसेस बनाए जाए, कैसे विपक्ष रणनीति बनाए, कैसे सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाए, फार्मर्स इश्यू से लेकर कोविड काल और बड़े मुद्दों पर कांग्रेस का स्टैंड क्या हो, तो एक एक आप कह सकते हैं जो अनसर्टेनिटी थी पार्टी के अंदर वो कैसे दूर की जाए, इसको लेकर कल से सोनिया गांधी का मंथन शुरू हो रहा है। लेकिन रजत, बहुत बड़ा चैलेंज ही रहेगा पार्टी में जो अंदरूनी कलह है, उसके बाद न सिर्फ नेताओं में आपसी मनमुटाव आए हैं, दूरियां आए हैं, बल्कि हमने तमाम इलेक्शंस में देखा भी है कांग्रेस का रिजल्ट कैसा रहा है। इसीलिए जमीन पर जाकर काम करना होगा। ऐसे कोई बड़े बदलाव कांग्रेस में हो सकते हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि इसके लिए हमको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एक एक रिशफल हमने देखा था, एक रिजिक देता पार्टी में कि यूथ और सीनियर्स दोनों को मिलाकर एक टीम बनाई गई थी। बंगाल में चुनाव है, उसके बाद असम में चुनाव है, 2022 में उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव है, तो ऐसे में कांग्रेस की तैयारी क्या रहती है ये इस पर सोनिया गांधी मंथन करेंगी। लेकिन हाँ, हमको इंतजार करना पड़ेगा कि अगर सोनिया गांधी मंथन कल करती हैं, उसके बाद नया अध्यक्ष चुना जाना है फरवरी के लास्ट वीक में, तो नया अध्यक्ष जो होगा उसका कार्यकाल, उसका कार्यक्षेत्र, उसका काम करने का तरीका अपने ढंग से होगा। और माना ये जा रहा है कि भाई राहुल गांधी बट ऑब्वियस चॉइस है इस समय 99.99% कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, जैसा कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा। तो मुझे लगता है कि ये ईयर इस बात पे निकल जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि कैसे बागियों को मनाया जाए, सबको एक साथ लाया जाए और कांग्रेस का हाउस जो ऑर्डर में नहीं है उस हाउस को ऑर्डर में किया जाए, उसके बाद नए साल में नया अध्यक्ष और उसके बाद पार्टी की नई कार्यशाला। हालांकि ये भी कम चुनौती भरा नहीं रहेगा, पहले पार्टी की अंदरूनी कलह दूर की जाए फिर इलेक्शंस पर फोकस किया जाए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। बहुत शुक्रिया रजत इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए